नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में शराबबंदी के बावजूद सड़क पर झूमते हैं शराबी, जूते से ठोकर मारती है पुलिस। बांका पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार, घर घर चलाया जा सकता है सर्च ऑपरेशन। विरासत के बोल कार्यक्रम में जुटी देश की नामचीन हस्तियां, रविवार को नाटक सूफी और कबीर गीतों की सजेगी महफिल। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चंपारण के स्टार्टअप जोन का किया निरीक्षण, कहा हौसला बुलंद हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। और आयरन लेडी इंदिरा गांधी की मनाई गई 105वीं जयंती, विधायक अजीत शर्मा ने बच्चों के बीच बांटा फल और कंबल। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में शराबबंदी कानून की कैसी विडंबना है कि जिन पर कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी है वे ही कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन इन दावों की हकीकत शुक्रवार की शाम भागलपुर में खुल गई। यहां कानून के रखवाले ने ही कानून को ताक पर रख दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शराब में धूत सड़क किनारे गिरे एक शख्स को देख पुलिस वाले ने उसे उठाने के बजाय जूते की ठोकर मार रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि घर घर में मिलती है शराब और बेवजह परेशान हो रहा पुलिस विभाग। इतना ही नहीं, ड्यूटी में तैनात ये जवान कैमरे के सामने ही सुशासन बाबू की सरकार पर गालियों की बौछार कर रहा है। पूरा मामला हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इसके पहले दिखाते हैं एक शराबी के प्रति महिला की मानवता और पुलिस के जूते की ठोकर का वीडियो। वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि शहर से लेकर गांव तक में शराबबंदी कितनी कारगर है। ताजा मामला भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां भीकनपुर गुमटी नंबर 2 के नजदीक शराब के नशे में धूत एक व्यक्ति घंटों सड़क पर पड़ा रहा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठा। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस आई, वही जवान ने उसे लात मारकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह व्यक्ति नहीं उठा। जिसके बाद जवान ने गुस्से में आकर सरकारी व्यवस्था पर जमकर भड़ास निकाला। उसने कहा कि घर घर शराब मिल रही है और हम लोगों को यूं ही परेशान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जवान का नाम विनोद कुमार है, जिनकी तैनाती भागलपुर पुलिस लाइन में है। ये तो शराब पिया हुआ है, आधा घंटा से लेटा हुआ है। क्या लगता है शराब खुलेआम मिल रहा है? ये तो उसी को ना पता चलेगा होश आने के बाद, मिलता है कहाँ से, मिलता है कहाँ, पिया एक घंटा से पड़ा हुआ है। हाँ, आधा घंटा पौने घंटा से है लगभग। हाँ, उठाना चाहिए बिल्कुल, चाहे कि शराबबंदी पर रोक है तो यहाँ तो शराब पी करके सोया हुआ है, तो उसका तरीका होना चाहिए। बांका के धनकुंड थाना क्षेत्र के नवकचिया कोदरकट्टा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अवैध हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मंटू कुमार ने बताया कि अवैध हथियार रखने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा नवकचिया कोदरकट्टा गाँव के विनय सिंह के घर की घेराबंदी कर सघन जाँच की गयी। जाँच के दौरान घर के कमरे में रखे बक्से के पीछे से पुलिस ने एक देसी मास्केट के साथ विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी 2 बार पहले भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस अपराधी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
भागलपुर कला केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम विरासत के बोल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के प्रख्यात इतिहासकार, फिल्मकार और लेखक सोहेल हाशमी ने भारत की विरासत पर अपनी बात रखी। प्रोग्राम में देश के कई हिस्सों से संस्कृति कर्मी, रंग कर्मी और कवि शिरकत करने पहुंचे हैं। संस्था के उदय राहुल और शशि शंकर ने जानकारी दी कि लेखिका और कबीर गायिका वेदी सिन्हा एवं उनके समूह द्वारा सूफी और कबीर के गीतों की प्रस्तुति होगी, जबकि रविवार को देश के कई रंग समूह द्वारा नुक्कड़ नाटक, एकल अभिनय और मंच नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। वही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राम शरण, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान, तकी अहमद जावेद और मिंटू कलाकार ने कहा कि यह आयोजन भागलपुर के लिए गौरव की बात है, जिसमें देश भर के नामी साहित्यकार, फिल्मकार, नाट्यकर्मी शामिल हो रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं विरासत के बोल कार्यक्रम की कुछ झलकियां। है ही नहीं। 1960 में CSIR ने इसको इसकी खेती के तरह तरीका निकाला और फिर गांव में जाके महिलाओं को ट्रेन किया कि वो अपने घर की दुपट्टी में कैसे मशरूम बो सकती है। आलू हिंदुस्तानी नहीं, आलू पुर्तगाल से आए। मटर इंग्लैंड से आया। पत्ता गोभी फ्रांस से आई। फूल गोभी फ्रांस से आई। हिंदुस्तानी सब्जियों को कोई खाता नहीं। आप में से कितने लोग बैगन खाते हैं? बैगन हिंदुस्तानी सब्जी है, बिल्कुल 200% हिंदुस्तानी है बैगन। उसे संस्कृत में भतिंगन कहते हैं। और विरासत के बोल कार्यक्रम नाम से आज हम नाटक आयोजन किए हैं। हमारी विरासत में प्रेम है, करुणा है, लोगों की आज़ादी है, तो इस विरासत को बचाने की ज़रूरत है। और जो नफरत है, घृणा है, ये सभ्यता के क्रम में आए हुए निगेटिव चीज है, उसको हमें ख़त्म करना है। तो इसी विरासत के बोल के लिए ये गीत संगीत और नाटक का आयोजन कर रहे हैं। आपको ये जो संस्कृति है, ये जो कला माध्यम है, ये लोगों को जोड़ता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने चनपटिया स्थित स्टार्टअप जोन का भ्रमण किया। स्टार्टअप जोन का भ्रमण करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कारीगरों से बातचीत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हौसला बुलंद हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। स्टार्टअप जोन को लेकर उन्होंने कहा कि इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, वे लोग इसकी तैयारी में जुट गए हैं। हौसला बुलंद है तो कामयाबी मिलती, मार्केट इसका बड़ा हो, इसकी हम लोगों की तैयारी है। यहाँ के अधिकारी भी, जिलाधिकारी भी रात दिन लगे हैं कि इसको कैसे और बढ़ाया जाए। तहत जो है इंडस्ट्री के जो सेक्रेटरी हों, मिनिस्टर हों, लोग आकर के देख के गए हैं और सब लोग पॉजिटिव हैं। और हम लोगों से भी जो हो पाएगा इसलिए फिजिकली देखने हम लोग टूर करने आए हैं कि और इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर भागलपुर के कांग्रेस विधायक से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रामानंदी हिंदू अनाथालय में बच्चों के बीच कंबल और फल का वितरण किया। इस दौरान विधायक अजय शर्मा ने बताया कि हर वर्ष इंदिरा गांधी के जयंती पर वे लोग कंबल का वितरण करते हैं। वही विधायक अजय शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक समेत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आदरणीय इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को मोमबत्ती दिया जलाने के बराबर है, लेकिन एक बात बता दें, इन्होंने जो देश की हालत जो था, जो खतरा हुआ देश पर, जब भी इन्होंने जिस साहस से कदम से काम लिया और फैसला लिया, इसके विश्व के इतिहासों में पन्नों में लिखा गया इनका नाम। आज बताइए कि इनके इतना बड़ा नेता कौन है जो कि देश को खतरे से, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने का, सबको एकजुट लेके, गरीबों को, आपने देखा होगा ऊर्जा पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया, शिक्षक व्यवस्था जो था, शैक्षणिक व्यवस्था, उसको सुदृढ़ किया। इन्होंने देश के लिए क्या क्या काम नहीं किया। और इनकी तो इनके बारे में बोलना ही हम कहें सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। निश्चित तौर पर हमारे कांग्रेस के सारे वर्कर्स पूरे देश के
गौरवान्वित महसूस करते हैं इनके जो काम किए गए हैं देश के लिए, इन्होंने जो बलिदान दिया इनके परिवार ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया है, और फिर भी आज उनके परिवार के लोग देश को एकजुट रखने में, देखिए भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी निकाले हैं, ये सब लोग पूरे देश के हित में, देश को एक रखने के लिए, लोकतंत्र की हत्या ना हो, संविधान की हत्या ना हो, संविधान न टूटे, और सभी हिंदू मुसलमान सभी लोग जो सब भाई की तरह रहे, ये काम आदरणीय इंदिरा गांधी जी करती रहीं, और हम लोग भी सभी वर्कर्स उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं तो कहूँगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, इनके जो कार्यकाल को याद करें और देखें कि देश को एकजुट कैसे रखते थे, कैसे एकता प्रेम रहता था, वो देख के उनको सीखना चाहिए, और हम लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। भागलपुर के समानालय स्थित धरना स्थल पर जुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। प्रदर्शनकर्ताओं का कहना है कि पिछले 35 सालों से वे लोग सरकार से अपने ठिकाने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन ना तो सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे रही है और ना ही जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल की जा रही है। लोगों का कहना है कि भीकनपुर गुमटी नंबर 1 की रेलवे की जमीन पर वे लोग रह रहे हैं, जिसको लेकर रेलवे के द्वारा नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में वे लोग कहां जाएंगे? प्रदर्शनकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा विस्थापितों को जमीन मुहैया नहीं कराई गई तो वे लोग प्रदर्शन तेज कर देंगे। हां, धरना दिए हुए हैं इस रेलवे के द्वारा, जो रेलवे पर जो बसा हुआ है उन लोगों को उजाड़ने का 16 और 17 तारीख को नोटिस दिया है। उस नोटिस में 7 दिनों के अंदर झुग्गी झोपड़ी खाली करने का है। अब हम लोग 6-7 दिन के अंदर कहाँ खाली करेंगे? इसके पहले भी कितने बार आप लोग धरना दे चुके हैं? धरने हमको लगता है सैकड़ों बार धरना दे चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग धरना दे रहे हैं, डीएम साहब से ये मांग कर रहे हैं कि आप उसको रोकिए, जब तक आप पुनर्वासित नहीं करते तब तक रेलवे को रोकिए। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए। इस दौरान शिक्षकों की उपस्थिति एवं स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। वही शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचकर बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर आदेश दिया गया है। साथ ही स्कूलों में बन रहे मिड डे मील में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर प्रधानाचार्य को जिलाधिकारी की तरफ से आदेश दिया गया है, जबकि वैसे स्कूल जहां संसाधनों की कमी है उसका रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में शनिवार को चर्म रोग विभाग एवं शिशु विभाग में HIV से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास, स्किन डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर राजीव रंजन झा, शिशु विभाग के डॉक्टर मोनिका रानी, डॉक्टर विजय कृष्ण सिंह, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, ART सेंटर एवं डॉक्टर प्रभाती केसरी शामिल हुए। And they get successful. It's not that infections are not attacking now. Infections are attacking you every time. But they are not getting successful because you are able to fight with them. But since now your fighting abilities have come down, therefore these attackers are now getting successful. बांका के धुरैया प्रखंड अंतर्गत धनकुंड थाना क्षेत्र के बड़ी सीजत गांव में शुक्रवार की दोपहर सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन कराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे पंकज भारती एवं मनीष कुमार जख्मी हो गए। जख्मी को इलाज के लिए धुरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया।
एक पक्ष की ओर से जख्मी पंकज ने हरेरामपुर गांव निवासी सिज्जत बलियास पंचायत के पूर्व मुखिया उमेश प्रसाद सिंह, उसके पुत्र अनुपम सिंह, मनीष कुमार एवं बाजार डी गांव निवासी सिक्को पंडित पर केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि वे सुबह अपने साथियों के साथ खेत जा रहे थे। इस दौरान अपराधियों ने पीछे से आकर लोहे के रॉड से उसके ऊपर हमला कर दिया, जबकि उमेश सिंह ने मुंह में बंदूक घुसाकर जान से मारने की धमकी भी दी। वही द्वितीय पक्ष की ओर से मनीष कुमार ने पंकज भारती, मिथिलेश सिंह, रमेश सिंह, अरुण सिंह, सुभाष पंडित, प्रीतम पंडित पर पुराने विवाद को लेकर जान से मारने की नियत से मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के आवेदन पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की जा रही है। साल मूंग बोए थे हम 4 बीघा, तो एक पटवन दिए थे, एक पटवन देना था। उसी समय वो बोला कि नहीं, इस ट्रांसफार्मर से लाइन नहीं लीजिए, ये मेरा पटवन। हम कहा कि ठीक है, जाने दो, अभी इसका दिमाग खराब है, छोड़ दो। इसके बाद फिर धान का खेती का समय आया, सबका एकदम 30-32 बीघा का अपना खेती कर लिया, लेकिन मेरा और इसी का चचेरा भाई का खेती नहीं करने दिया। अभी भैया लाइन का कनेक्शन लिए, ट्रांसफार्मर पे तार जोड़वाने के लिए किए, तो आया तो मान नहीं रहा था, तो तार ऐसे काट दिया, आकर के विभाग काट के गया। हम तो काटे नहीं हैं, विभाग काटा है। उसके एवज में कहा कि नहीं, यही करा है, इसलिए सवेरे चल रहे थे, बासा पर खेत पे घूमने जा रहे थे, उसके दरवाजे से 10 कदम आगे गए हैं और वो पीछे से लाठी चला दिया। भागलपुर सुल्तानगंज के घाट रोड स्थित विजय गेस्ट हाउस में राजद के नव निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, पूर्व विधायक फलिंद्र चौधरी एवं नव निर्वाचित राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव का राजद कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का मंच संचालन राजद के प्रखंड युवा अध्यक्ष नट बिहारी मंडल ने। इस दौरान राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने अपने संबोधन में कहा कि बाल मजदूरी कराने वालों की अब खैर नहीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बाल श्रमिक कराने वालों की सूचना देने को कहा, ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। वहीं नवनिर्वाचित राजद के प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने 2024 के लोकसभा के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी से ही तैयारी करने की बात कही। मौके पर राजद कार्यकर्ता फिरोज आलम, दिवाकर मंडल, विवेकानंद यादव, दिलीप गुप्ता, प्रेमजीत कुमार, डॉक्टर नईमुद्दीन, राजपति यादव, मोहम्मद मंजर सहित काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। मैंने कहा 14 वर्ष के बच्चे अगर कहीं भी कार्य करते हुए मिलते हैं, चाहे वो व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों नहीं हो, प्रभावशाली व्यक्ति क्यों नहीं हो, उस पर कार्रवाई हो। 18 साल के बच्चे को ईंट भट्टे और भोजन बनाते हुए कहीं पकड़ा गए, देख लिया जाएगा, उस पर भी जो है कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि छात्र के बिना राष्ट्र का नव निर्माण अधिकार नहीं हो सकता है। मासूम बच्चे हैं, उसको विद्यालय जाना चाहिए, तो दूसरे की अब काम करने जाते हैं, जिस घर में काम करने जाते हैं अगर उसके घर में मिल गया तो घर वाले पर कार्रवाई होगी, उस बच्चे पर कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि जो विधवा है, जिनको आप लोग देखिएगा कि उसकी माँ के पास कुछ नहीं है, वैसे बच्चे के लिए इंद्रावास, राशन कार्ड और रहने की व्यवस्था और उसके तो कुछ आर्थिक जो हम लोग जो है अपने आयोग की मदद से। राष्ट्रीय जनता दल का जो बैठक हुआ, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उत्साह और उमंग के साथ हमारे जो दल के साथी हैं, जवान नौजवान साथी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और हमने संकल्प लिया है राष्ट्रीय जनता दल अब जो है शहर से गांव की ओर हम प्रस्थान करेंगे और गांव के किसान को, मजदूर को और समाज के जो अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं उसको मजबूत करने का काम करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल को धारदार और मजबूत बनाएंगे। 2024 का जो हमारे दल का जो मिशन है, हम सुल्तानगंज का जो प्रखंड राजद है, हम उसको मजबूती प्रदान करेंगे और मिशन जो है 40 में 40 सीट जीतने का, उसको हम पहले भागलपुर और बांका से शुरुआत करेंगे और विजय दिलाने का काम करेंगे।
भागलपुर तिलका मांझी स्थित वृंदावन हॉल में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु एवं उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा को सम्मानित किया गया। इस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संस्था का आभार जताया, साथ ही कहा कि 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों से श्रम करवाना कानूनन अपराध है। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत इन सारे बच्चों को किसी तरह के क्षेत्र व्यवसाय के कार्य में सम्मिलित करना अपराध की श्रेणी में आता है। शिक्षाविद राजीव कांत मिश्र ने कहा कि बिहार सरकार बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। इस अवसर पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राकेश रंजन केसरी समेत विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे। बहुत अच्छा लगा सम्मान पाकर और खास करके अपनों के बीच इस तरह के कार्यक्रम से उत्साह और बढ़ता है। साथ ही साथ इस बात का भी एहसास हुआ कि भागलपुर के सभी समाज के लोग आज यहाँ आए, सभी वर्ग के लोग आए, सभी संस्थाओं के लोग जो आए उनके अंदर एक उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी और हम लोग, मैं खुद, हम दोनों मिल करके भागलपुर के लिए कुछ कर सकते हैं। हम दोनों कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे और कुछ करके दिखाएं। बांका के धुरैया थाना की गश्ती पुलिस ने कुर्मा चौक के समीप शुक्रवार की देर रात दो शराबी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने कुर्मा चौक के समीप शराब के नशे में धूत इसी थाना क्षेत्र के धुरैया गांव निवासी सुमन रविदास एवं भागलपुर जीरो माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वही थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों लोगों की मेडिकल जाँच धुरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराई गयी, जहां जांच के दौरान शराब का सेवन किए जाने की पुष्टि के बाद दोनों शराबियों को कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया गया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में शराबबंदी के बावजूद सड़क पर झूमते हैं शराबी, जूते से ठोकर मारती है पुलिस। बांका पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार, घर घर चलाया जा सकता है सर्च ऑपरेशन। विरासत के बोल कार्यक्रम में जुटी देश की नामचीन हस्तियां, रविवार को नाटक, सूफी और कबीर गीतों की सजेगी महफिल। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चंपारण के स्टार्टअप जोन का किया निरीक्षण, कहा हौसला बुलंद हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। और आयरन लेडी इंदिरा गांधी की मनाई गई 105वीं जयंती, विधायक अजय शर्मा ने बच्चों के बीच बांटा फल और कंबल। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।